लगातार इन गायों के लिए हमने डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से भी बात करी है एमसीडी में। भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में शासन में बैठी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सड़कों पे घूमने वाली गायों को इनको ले जाकर के गौशाला में रखे और इनके चारे का इंतजाम करें। लेकिन जब हम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो नजफगढ़ के पास गौशाला जहाँ एमसीडी की गायें जाती थी वहाँ पर जगह नहीं बची है। अगर जगह नहीं बची है तो किसकी जिम्मेदारी है वो इंतजाम करने की? वो इंतजाम करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठी एमसीडी में जो बैठी है उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम बार बार कहने के बावजूद यहाँ पता नहीं कितने लोगों को ये गायें चोट मार चुकी हैं। कई लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, कई लोगों के सिरों में चोट लगी है, कई लोगों के हाथों में लगी हैं और तमाम सींग पे उठा उठा करके भी कई लोगों को यहाँ फेंका गया। और अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी थी तो मेरे को जानकारी मिली कि उनको बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर के गाय ने उनको बख्शा है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो सड़कों पे घूम रही आवारा गायों की बात हो चाहे पशुओं की बात हो तब सब जगह फेल साबित हुई है। अपने किसी भी काम में वो पूरा करने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी बार इन गौ जब गाय बीच में आ जाती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इन कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे इस बारे में। सर आपका नाम? मनोज गोयल। अभी जैसे पीछे गौशाला जहाँ पर ये गाय जाना चाहिए ये रोड पर बैठी है, तो क्या लोगों को आने जाने में परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा, जिस मर्जी को लपेट लेती है, जिस मर्जी गाड़ी को, गाड़ी आना जाना दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर घबराहट हो रही है घर से निकलने से। कालेज में हाथ पाँव में मारती है, यहाँ घुटने में दोनों छिलती है और बच्चे भी घबराहट हो रहे हैं, बच्चे को निकलना नहीं चाह रहा बाहर। जब मर्जी दुकान के अंदर घुस जाती है, जब मर्जी किसी को लपेट लेती है ये गाय, यहाँ से गाय उठनी चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कितने भीड़ है, जाम लग जाता है यहाँ पे मिनट से मिले। बताना चाहेंगे जैसे यहाँ पर गाय बीच में बैठी हुई है, अचानक अगर लोग कुछ जाते हैं, गाड़ी आ रही है या कुछ आ रही है, अचानक होती है आदमी को, ये जब भी क्या करते लोग जाते हैं बार बार करते, कभी गाय पागल सी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जो आपकी हमारा पशु बैठे इसको लेके क्या परेशानी होती है लोगों में? लोगों को यही होता है जैसे गाय बैठी रहती है, कई दफे गाय के भी एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे पैर फुलाए बैठी है, ट्रैफिक जाम होने का पूरे आसार रहते हैं और जाम होता भी है। किसी दफे क्या होता है कि पड़ोस में कोई जा रहा है लाल कपड़े को देख के या उसको देख के उसके पीछे पड़ जाती है, उसको भी चोट लग जाती है। अभी एक दो दिन पहले ही चोट लगी है एक दो जनों के मेरे सामने, तो कई दफ़े यहाँ पे गाय एक दूसरे पे हमला कर देती है और उससे उसको चोट लग जाती है, बचाने वाला कोई भी नहीं होता उस टाइम। ये दिखते हैं यहाँ पे इन, हाँ गायों की जगह कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे ये रोड से हटके हो, चाहे गौशाला में हो या कोई खाली प्लॉट में हो या कहीं अलग जगह इनकी व्यवस्था हो। एक दो गाय हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 10-15-20 गाय रहती हैं, जिससे पब्लिक को भी परेशानी है, जाम की परेशानी भी है और चोट फेट लगने का भी खतरा है। इससे पार्टीबाजी से मेरा कोई मतलब नहीं है। देखो बीजेपी करे या कोई भी सरकार करे या कोई सामाजिक आदमी करे, कुछ ना कुछ इनका होना चाहिए। इधर साध वाली गली में 18 टाके आए हैं सर में, गाय नहीं मारा था, अब क्या करें? वो घर से दूध लेने के लिए निकले थे, बुजुर्ग आदमी थे, बड़े परेशान हैं इस गाय वाले से। बिल्कुल जी, एक्सीडेंट गाय के भी होते हैं, ये नहीं कि इंसान के ही होते हैं, गाय के भी। अभी यहाँ पे पैर तोड़ दिया था एक गाड़ी ने, राशन लोड गाड़ी ने लग गई थी गाड़ी, गाय बैठी हुई थी, पता भी नहीं चला उसे, उसकी बिल्कुल टांग कट गई।